युवाओं में तेज रफ्तार का जुनून उनके लिए घातक होता जा रहा है। कुछ जान से हाथ गवा बैठते हैं तो कुछ गंभीर रूप से चोटिल हो रहे हैं। यही तेज रफ्तार आज फिर दो युवाओं के लिए उस समय भारी पड़ गई जब सामने से आ रही कार से बचने के चक्कर में वह सीधे दीवार से जा टकराए, जिससे पीछे बैठा युवक तो बच गया लेकिन मोटरसाइकिल चला रहे युवक की टांग में गंभीर चोटें आई हैं। क्षेत्रीय लोगों ने तत्काल ही घायल युवकों को मेडिकल अस्पताल पहुंचाया, जहां युवक का इलाज किया जा रहा है। घटना गोरखपुर क्षेत्र के बंदरिया तिराहा की है। युवक के साथी उदय का कहना है कि तेज रफ्तार के चलते ही यह हादसा हुआ है। हादसे में ग्वारी घाट आदर्श नगर निवासी ऋषभ और आदर्श घायल हुए हैं। फिलहाल युवकों को उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल भिजवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हमारे भैया लोग गाड़ी चला रहे थे, हम लोग अभिनंदन से आ रहे थे। एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग थोड़ा सा आगे निकल गए तो उन्होंने थोड़ा सा स्पीड से गाड़ी लेके आई, तो पता नहीं कौन कार वाला आ रहा था, कोई भी आ रहा था, मेरे को आइडिया नहीं है। तो उन्होंने गाड़ी क्रॉस की, उन लोग की गाड़ी तेज थी तो उन लोग ने ठोक दिया। कितने लोग घायल? दो लोग घायल हुए। और अभी कहाँ है वो? अभी है हॉस्पिटल में। किस अवस्था में? हाँ जी, किस अवस्था में? मेडिकल में है। दो लोग हैं, एक के घुटने में चोट आई है और एक सही सलामत है। और गंभीर गंभीर को चोट कोई नहीं आई है। जो भिड़े हैं उनका नाम क्या है? जो भिड़े हैं वो आदर्श है और ऋषभ है।